हेलो गाइस, आज के सेशन में एक्सेल के सबसे बेस्ट फीचर के बारे में बात करेंगे हम। ये बहुत ही बेस्ट फीचर कह सकते हैं इसको हम, जिसका नाम है मैक्रो। मैक्रो के अंतर्गत हम कुछ फॉर्मेटिंग की रिकॉर्डिंग करते हैं। इससे हम बहुत ही डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट रेडी करते हैं, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर, फॉर्म एक्सेट्रा। तो इस चीज़ को फॉलो करने के लिए हम बहुत ही इजीली वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कह सकते हैं एक डिस्क्लेमर हो सकता है कि जब आप मैक्रो का यूज़ कर रहे हो तो आप एक्सेल से बाहर नहीं जाएंगे। और दूसरा कंडीशन है कि आप कम से कम एरर करें। वरना होगा क्या कि जब आप मैक्रो यूज़ करते हैं उस वक्त बैकग्राउंड में सब कोडिंग राइट होता है ऑटोमेटिक। सो अगर आप थोड़ा भी मिस्टेक करते हो तो वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, आपका मैक्रो रन नहीं होगा, बीच में ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर हमें व्यू पे जाना है, व्यू मेनू, और ये मैक्रो ऑप्शन दिख रहा है। इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट सब एफ8, आप देख सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है रिकॉर्ड मैक्रो और दूसरा लिखा हुआ है व्यू मैक्रो। व्यू मैक्रो से क्या होता है, जो मैक्रो बना हुआ तब होता है उसको हम रन कराने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पे फिलहाल यूज़ करना है रिकॉर्ड मैक्रो, तो हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है मैक्रो नेम। सो हम यहाँ पे मैक्रो नेम का टाइप करेंगे। हम यहाँ बना रहे हैं अटेंडेंस रजिस्टर, हम लिखते हैं यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ जानिएगा कि यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है, यहाँ पर हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे शिफ्ट के साथ आप अंडरस्कोर यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। लिख दो आप अटेंडेंस रजिस्टर। सो अटेंडेंस रजिस्टर लिखने के बाद यहाँ पे ओके करिएगा। अब ये मैक्रो ऑन हो चुका, इसके लिए अब क्या करना है आपको देखते हैं। अब आपको कम से कम एरर करना है, कुछ चीज़ें मैंने बता दी ऑलरेडी आपको, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, होम पे जा करके यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस, हमें कुछ जगह चाहिए था। यहाँ पे हमें इसका डेट चाहिए, तो हम डेट कंट्रोल के साथ कोलन का इस्तेमाल कर लेंगे, या हम एक फार्मूला लिख सकते हैं डेट का। तो हमारे पास कई तरीके हैं, लिख सकते हैं इज इक्वल टू डेट, और यहाँ पे 2018 कॉमा लगा करके यहाँ पे जैसे नीचे लिखा हुआ है वैसे हम फॉलो करते जाएंगे। अब मंथ की बात है तो हम लिख देते हैं, हम बना रहे हैं दिसंबर, चलिए ठीक है दिसंबर का बना लेते हैं, और कॉमा 01 ये डी लिखा हुआ है। इसको हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटरप्रेस करेंगे, हमारे पास डेट बन जाएगा 1/12/2018। और किस महीने का है इसको हम यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये है दिसंबर मंथ। और अब यहाँ पर शुरू करते हैं अपना काम। देखिए यहाँ पर करना क्या, हमें इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस एरिया को, कि हमें देना स्टूडेंट का नाम। सो इस ब्लॉक को हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ यूज़ करते हैं मर्ज अक्रॉस का, इसे कॉलम आपस में मर्ज हो जाते हैं तो हमें एक स्पेस मिल जाता है काम करने का, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट नेम, और इसमें हम लिख देते हैं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा हमारे पास, हम यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे और एक फार्मूला लिखेंगे टेक्स्ट ब्रैकेट, और यहाँ पे हम डेट वाली वैल्यू लेंगे, कॉमा देंगे, और डबल कोटेड का इस्तेमाल करेंगे हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे डबल डी लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर, यस। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 01, और इसके बाद हम इज इक्वल टू करेंगे और इस पर हम क्लिक करके यहाँ पे प्लस पॉइंट लगाएंगे, 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2। देखो एक चीज़ हमें केवल 2 मिला हुआ है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके मोड नंबर, यहाँ पर कस्टम दिख रहा है, कस्टम के बाद यहाँ पर ये जनरल ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको हम 22 कर सकते हैं, 00 एंड ओके। अब हमें फॉर्मेट इसका सही मिल जाएगा, इसको हम ड्रैग कर देंगे पूरा, हमारे पास 31 महीने का फॉर्मेट बनाएंगे,
और इसको हम करेंगे क्या, यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन होगा हमारे पास, इसको हम ऑटो फिट कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, वापस आते हैं। एक और हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू करके लिखेंगे हम टेक्स्ट ब्रैकेट और नीचे की वैल्यू जो हमने डेट लिया था यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास G7 है, तो हमने यहाँ पे इसका एड्रेस लिया, कॉमा ला के डबल कोटेड करेंगे, और यहाँ पे सिंगल सिंगल कोट नहीं यूज़ करना है, हमें डबल कोट लेना है, तो शिफ्ट बटन के साथ डबल कोटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल डी करेंगे, ट्रिपल डी से होता है डेज आता है, और डबल डबल डी से डेट आता है, ये वैल्यू वाली नंबर, डबल डी से नंबर वाला आएगा और ट्रिपल डी से अल्फ़ाबेट यानी डीज आएगा। तो डबल कोटेड क्लोज करके इंटरप्रेस करिए, एंटर करिए। दूसरी संडे दिख रहा है यहाँ पर, तो एक और काम हमें करना होगा, यहाँ पे हम इस फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है मोर नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे आना हमें और यहाँ पे कस्टम ऑप्शन है, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा कुछ चीज़, जैसे क्या देखते हैं, ओके तो यहाँ पे हम इसको ट्रैक करेंगे, इसको हम ट्रैक करते जाएंगे 31 नंबर तक, और हमें ये डेज मिल जाएगा, और इसको हम फॉर्मेट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें जाना है ऑटो फिट, यानी लिखा हुआ है ऑटो फिट कॉलम एंड वीट, तो इसको क्लिक कर दो, अब ये सेट हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे क्लिक करके रोटेशन लिखा हुआ है, रोटेशन को जिससे एक कैलेंडर होता है वैसे बना लेंगे, एक बार फिर से हम इसको ऑटो फिट कर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद इस पूरे फॉर्मेट को हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट को हम सेलेक्ट करने के बाद इसको हम जितना कलर करना है सेल स्टाइल पर जाकर के यहाँ पे कलर दे देंगे इनपुट कलर। इसके बाद जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होता रहेगा हम अपना काम करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करके इसको हेडिंग बना लेते हैं, कंट्रोल बी प्रेस किया हमने, बोल्ड हो गया, और बोल्ड करने के बाद इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा ढंग का, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें क्योंकि उससे वो थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए। और देखिए जितने भी संडे हैं, संडे को आप क्लिक करके रेड लाइन दे दो, और इसका जो फॉर्मेट है एरिया सेलेक्ट करके आप इसको येलो कलर यूज़ कर लो, क्योंकि इसको हमें लीक करना है। अब इसको इसको हमें सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट प्रिंटर का हम इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक किया, अब जितना भी संडे लिखा हुआ है इसको लीव वाले डेज पे ऐड कर लो, फिर से क्लिक करो फॉर्मेट प्रिंटर, और जितने भी संडे ऑप्शन है संडे पे आप क्लिक करो, और वापस रिपीटली जितने भी संडे होंगे आप सब पे अप्लाई करते रहो। संडे पे क्लिक किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे आप क्लिक करो, और एक हमारे पास यहाँ संडे और दिख रहा है, संडे पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारे पास लीव वाले टाइम बन चुके। इसके बाद हमें करना क्या है, कुछ और फॉर्मेटिंग करनी हो तो हम कर सकते हैं, जैसे इसको हमें डिफरेंट टाइप दिखाना है तो हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर सेल स्टाइल देख सकते हो, यहाँ पे आप यूज़ कर लो कोई भी कलर, तो अलग भी दिखाना हो चाहो तो, या और भी कलर हमारे पास हैं, इसको सेलेक्ट करो, जो कलर सेट हो वहाँ लगा दो आप। ओके, ये हमारे पास रेड कलर था तो हम इसको रेड ऐड कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे जितने भी रेट थे तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। जब यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, देखो ये हमारे पास फॉर्मेट रेडी है, लेकिन इस फॉर्मेट पे कैसे काम करते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने एक काम करना है, जैसे हमने लिख दिया किसी का नाम, यहाँ लिख दिया हमने रतन, इसी का नाम है, यहाँ पे करना क्या लिख दो प्रेजेंट है, जैसे एक मंथ में कितने प्रेजेंट होते हैं कितने एबसेंट होते हैं उस बारे में डिस्कस करना है, और किसी ने एबसेंट तो मैं क्लियर प्रेजेंट कर देख लेते हैं, सॉरी चलो यहाँ पे मैं एबसेंट कर देख लेता हूँ, मैंने एबसेंट किया, यहाँ भी मैंने एबसेंट किया, यहाँ भी मैंने एबसेंट किया। देखो एक और चीज़ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करूँ ना, अगर मैं इसको 11वां मंथ कर लूँ, अगर 11वां मंथ कर लूँ, या मैं इसको 2 तारीख से चलाऊँ, मैं 2 तारीख लिखूँ तो यहाँ पे चेंज भी होगा, यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, मैं इंटरफेस करूँ सब चेंज होगा, आपको हर महीने यहाँ से यहीं से चेंज करना होगा। ठीक है, आप बस यहाँ पे डेट चेंज करना,
पूरा फॉर्मेट चेंज जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये फॉर्मेट तो बन गया। अब कंडीशन ये होती है कि मान लो कोई घर से किसी कोई गार्जियन आ गया, तो वहाँ पे आपको चेक करना है कि कितना दिन अब्सेंट, कितना दिन प्रेजेंट है बंदा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, इसके लिए मैं दिखा सकता हूँ। देखो मान लो मुझे चाहिए कि राधन का अटेंडेंस की स्लिप कितना है, इधर राधन। अब यहाँ पर क्या करना है, इज इक्वल टू लगाओ, एक फार्मूला यूज़ करो आप, काउंट इफ। तो काउंट इफ पे क्लिक करना, काउंट इफ ब्रैकेट, और इसमें करना क्या है, जो ये रेंज है ना, रेंज को सेलेक्ट करना, ये वाला, यानी जी 8 से लेकर के ए के 8 तक, और कॉमा प्रेस करना, और डबल कोटेड। आपको प्रेजेंट फाइंड करना है तो आप पी लिखो, एंटर प्रेस करो और ब्रैकेट क्लोज करके। तो मालूम यहाँ चला कि 22 दिन प्रेजेंट हैं। अब मालूम करते हैं हम कि अब्सेंट कितना दिन, इज इक्वल टू करो, देखो काउंट इफ फार्मूला, ब्रैकेट, रेंज को आप सेलेक्ट करो, रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा डबल कोटेड ए लगा के प्रेस करो वहाँ पे, क्लोज एंटर। देखो 4 दिन अब्सेंट। इस तरीके से आपको ये मालूम चल गया कि कैसे हम बनाते हैं अटेंडेंस स्लिप। ओके, इसको और फॉर्मेट करना हो तो आप कोई भी कलर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद इसको आप तो थोड़ा कलर करना चाहते हो डिफरेंट टाइप का, तो आप वो सब कलर कर सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो अटेंडेंस रजिस्टर। इसको आप क्लिक करो, देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट होता है मिडल का, तो मिडल ऐड कर लो, इसको बड़ा कर सकते हो यहाँ से। फॉन्ट को चेंज करना चाहो तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो कोई भी, और इसको बॉर्डर में करना चाहो तो थीक बॉर्डर लगा सकते हो, और कलर भी लगा लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये यहाँ पर कंप्लीट होगा। लेकिन कंप्लीट होने के साथ साथ इसको आप कंट्रोल एस प्रेस करो और इसको आप सेव कर लो जहाँ आप सेव करना चाहते हो। तो यहाँ फिलहाल हमने एक लोकेशन रखा है एफ ड्राइव में, हमने इसको सेव कर दिया अटेंडेंस के नाम से, अटेंडेंस। और इसका जो एक्स सेव टाइप होगा, इसको हमें रखना होगा मैक्रो टाइप। तो हम यहाँ पर देख सकते लिखा है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। जो मैक्रो होता है, मैक्रो का एक्सटेंशन होता है .xlsm। हालांकि एक्सेल का जो होता है वो होता है .xlsx, यहाँ वर्ड आप देख सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, मैक्रो पे हमने काम किया तो हमें मैक्रो में इसको सेव करना होगा, और यस प्रेस करेंगे, ये हमारे पास सेव हो चुका। सो अब हमें क्या करना है, अब नया सीट हम मंगाते हैं। ठीक है, नया सीट आ जाएगा तो हमें क्या करना होगा, व्यू पे जाना है और इसको हम स्टॉप कर लेते हैं, स्टॉप हो जाएगा। अब आप क्लिक करो व्यू मैक्रो पे जाओ, यहाँ पे दिख रहा है आपको अटेंडेंस रजिस्टर, इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करो रन, देखो ये बन चुका हमारे पास। एक सीट यहाँ पर भी है, एक सीट यहाँ पर भी है, और अब हम सीट निक्स पे जाएंगे, ये हमारे पास ब्लैंक सीट है, और हम यहाँ पे मैक्रो पे क्लिक करेंगे व्यू मैक्रो, और ये हमारे पास दिख रहा है हमें अटेंडेंस रजिस्टर। रन पे क्लिक करेंगे, ये रन हो जाएगा, और यस कर लेंगे। देखो ये हमारे पास बन चुका। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास ये है 2019 का, हम यहाँ 2019 लिखेंगे, एक तारीख, एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारे पास पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं, और इसका इसके पीछे कोडिंग हो रहा है, वो कोडिंग मैं दिखा दूँ आपको। कोडिंग कैसा होता है, व्यू मैक्रो पर हम जाएंगे, यहाँ पर लिखा है एडिट, एडिट पे क्लिक करेंगे। देखो ये जो कोडिंग होता है वो विजुअल बेसिक पे कोडिंग होता है डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आप देख लो, ये पूरा जितना भी हम कलर लेते हैं, रेंज है, सेल है, कॉलम है,
सब चीज़ का फॉर्मेट यहाँ पे होता रहता है। इसलिए कहा गया कि आप जब मैक्रो ऑन करो उस केस में आप बाहर ना जाओ, ठीक है, और इरर्स कम से कम करो। जितना इरर कम से कम होगा उतना ही आपको सही रहेगा सारा काम, ठीक है।